नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज इंडिया में। और बात कर रहे हैं एक बड़ी घटना के बारे में जो निकल कर आ रही मुंबई के कुर्ला इलाके से। जी हां, कुर्ला में शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर की पत्नी का शव घर से बरामद हुआ। जी हां, अभी तक कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी घटना निकल कर आ रही है क्योंकि शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर की पत्नी रजनी का शव मुंबई के कुर्ला इलाके में उनके घर से बरामद हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शव बेडरूम में पंखे से लटका हुआ था। पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है। मौके पर पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट सीपी जांच के लिए पहुंच चुके हैं। ज्वाइंट सीपी के मुताबिक शुरुआत में पुलिस को फोन पर फांसी लगाने की सूचना मिली थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए घाटकोपर के राजवाड़ी अस्पताल भेज दिया गया। मंगेश कुडालकर का घर कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में आता है, इसलिए इस मामले में नेहरू नगर पुलिस की टीम जाँच कर रही है। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पिछले साल से ही चर्चा में थे मंगेश। जी हां, मंगेश कुडालकर का नाम साल 2021 में ऑनलाइन सेक्स चैट ठगी के मामले में सामने आया था और पुलिस ने विधायक की शिकायत पर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले आरोपी के जो है गिरफ्तार किया था राजस्थान के भरतपुर से। उस दौरान विधायक की ओर से कहा गया था साइबर ठग ने उन्हें शिकार बनाते हुए उनसे 5,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।